अस्सलाम वालेकुम जी एंड वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो का टॉपिक थोड़ा स्टिंकी सा है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे पॉटी ट्रेनिंग की। मैंने रिसेंटली अपनी बेटी को पॉटी ट्रेन किया है एंड काफ़ी सारी मिस्टेक्स भी की, कुछ काम ठीक किए, कुछ रिसर्च की, कुछ चीज़ें स्टार्ट करने के बाद जज की एंड शी इज़ फाइनली ट्रेंड काफ़ी हद तक। सो मैंने सोचा कि मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ और आप लोगों के साथ कुछ टिप्स और डूज एंड डोंट्स शेयर करती हूँ ताकि आप लोगों की जो प्रोसेस है उसमें थोड़ी आसानी हो जाए और आप लोगों को पता चल जाए कि क्या काम करना चाहिए और क्या काम नहीं करना चाहिए। सो यू कैन लर्न फ्रॉम माई मिस्टेक्स एंड मे बी आपका प्रोसेस थोड़ा जल्दी ख़त्म हो जाएगा पॉटी ट्रेनिंग का। सो चलें विदाउट फर्दर डू लेट्स जंप राइट इनटू दिस वीडियो। ओके, सो मेरे पास आज की वीडियो के लिए जितनी भी टिप्स हैं मैंने उनको डिवाइड कर दिया है दो लिस्ट में। एक तरफ हमारे पास डूज की लिस्ट है यानी वो काम जो आपको करने चाहिए और एक तरफ हमारे पास डोंट्स की लिस्ट है यानी वो काम जो आपको नहीं करने चाहिए। सो सबसे पहला काम जो आपको करना चाहिए वो ये कि आप सही वक्त का इंतज़ार करें। वेट फॉर व्हेन द बेबी इज़ रेडी। आपको जब ये नज़र आने लगे कि आपका बच्चा रेडी है फॉर ट्रेनिंग उस वक्त उसकी ट्रेनिंग शुरू करें। इस तरह ये होगा कि आपका बच्चा फ्रस्ट्रेट नहीं होगा, वो एज अ फेलियर फील नहीं करेगा, आप फ्रस्ट्रेट नहीं होंगे और ट्रेनिंग जल्दी हो जाएगी। ऑन दी अदर हैंड अगर आपका बच्चा तैयार नहीं है ट्रेनिंग के लिए तो आप और बेबी दोनों बहुत फ्रस्ट्रेटेड फील करेंगे और ये प्रोसेस में टाइम भी ज़्यादा लगेगा। सो आपको कैसे पता चलेगा कि आपका बच्चा रेडी है फॉर ट्रेनिंग? सबसे बड़ी निशानी तो ये होती है इस बात की कि जब भी आपका बच्चा पू या पी करने लगता है तो वो साइड पे हो जाता है, वो तन्हाई ढूंढता है, वो सोफे के पीछे छुपता है, वो कोना ढूंढता है कोई। ये इस बात की गवाही है कि उसको इस बात की समझ आ गई है कि ये कोई फ़खर से सबके दरमियान करने वाला काम नहीं है। ये सेंस उसके अंदर और ऑटोमेटिकली कुदरत ने डाल दी है। सो दैट इज़ योर नंबर वन साइन दैट योर बेबी इज़ रेडी। दूसरा साइन ये होगा कि जब आपका बेबी दिन में किसी टाइम 2-3 घंटे के लिए किसी दिन सो गया है तो अपने नैप के दौरान वो अपना डाइपर गंदा नहीं करता। तीसरा और बहुत बड़ा साइन ये होता है कि बच्चे अपना डाइपर गंदा करने के बाद आके आपको बताते हैं कि मेरा डाइपर चेंज कर दो, माई डाइपर इज़ यकी, माई डाइपर इज़ स्टिंकी। वो खुद इस बात के लिए उन्हें समझ आने लग जाती है, डिस्कस डेवलप हो जाता है कि मेरा डाइपर, या डिस्कम्फर्ट डेवलप हो जाता है कि मेरा डाइपर गंदा हो गया और वो आके आपको खुद बताते हैं कि मेरा डाइपर उतार दो, चेंज कर दो, आई डोंट फील कम्फर्टेबल। इसी तरह वो अगर अपने डर्टी डाइपर को पुल करें, उसको उतारने की कोशिश करें तो ये भी एक साइन है कि उनको डिस्गस्ट फील हो रहा है और वो रेडी है पॉटी ट्रेनिंग के लिए। एंड लास्टली अनदर साइन दैट योर बेबी इज़ रेडी फॉर पॉटी ट्रेनिंग वो ये है कि आपका बच्चा इंटरेस्ट ले टॉयलेट सीट में या द एक्ट ऑफ गोइंग एंड सिटिंग ऑन अ सीट टू पू और पी। जब आपको पता चल गया है कि नाउ माई बेबी इज़ रेडी, ये वो सही वक्त है जब आप उसकी ट्रेनिंग शुरू करोगे। इसके बरक्स आपको जो काम नहीं करना चाहिए वो ये है कि आप बहुत ज़्यादा जल्दी करें पॉटी ट्रेनिंग स्टार्ट करने में जबकि आपका बच्चा मेंटली इस चीज़ के लिए अभी तैयार है ही नहीं। उससे ये कि ऑब्वियसली आपको ज़्यादा लंबी ट्रेनिंग करनी पड़ेगी क्योंकि आपका बच्चा अभी उस मेंटल लेवल पे आया नहीं, और जो नॉर्मल देर लगती है उससे भी ज़्यादा देर लगेगी क्योंकि ऐसा पॉसिबल नहीं है कि आप इतनी देर बच्चे को ट्रेन करते रहो और आप कभी भी फ्रस्ट्रेटेड या एनॉयड फील ना करो। सो बच्चे बहुत जल्दी एनर्जीज कैच करते हैं और बच्चा जो है वो इस बाथरूम जाने की कैफियत है, इस एक्शन से, एक्ट से कनेक्ट कर लेगा ऑल ऑफ दीज नेगेटिव फीलिंग्स, फीलिंग लाइक अ फेलियर, फीलिंग डिसअपॉइंटेड इन हिमसेल्फ, हिज मदर फीलिंग डिसअपॉइंटेड इन हिम, हिज मदर गेटिंग फ्रस्ट्रेटेड, हिम गेटिंग फ्रस्ट्रेटेड। सो इन सारी फीलिंग्स को जब वो अटैच कर लेगा टू द एक्ट ऑफ गोइंग टू द बाथरूम तो और ज़्यादा रिलक्टेंट होगा वो सीखने में और इसके लिए प्रोसेस और ज़्यादा प्रेशराइजिंग और नेगेटिव हो जाएगा। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू वेट फॉर द राइट टाइम। अब आपके इर्द गिर्द अगर इस तरह के लोग हैं जो कि हम सबकी ज़िंदगियों में होते हैं, जो आपके साथ अपने बच्चों के कंपैरिजन ड्रॉ कर रहे हैं और आपको बता रहे हैं कि आपने बहुत देर कर दी है पॉटी ट्रेनिंग स्टार्ट करने में, और सासें जो आपको ताने दे रही हैं कि हमने तो अपने बच्चों को जो है वो पैदा होते साथ ट्रेन कर लिया था, तो सबसे पहले तो आप उनको एक अदद अवार्ड दें उनकी इस अचीवमेंट पे और उसके बाद उनकी बात एक कान से सुने, जी जी करें और दूसरे कान से निकाल दें। आपका बच्चा है, आपने पालना है, उसके डायपर आपने साफ़ करने हैं, उसके डायपर्स पे पैसे आपने लगाने हैं। सो अगर आपका बेबी अभी रेडी नहीं है तो ये किसी और का मसला नहीं होना चाहिए कि आपको क्यों देर लग रही है, आप क्यों ट्रेनिंग स्टार्ट नहीं कर रहे। आपको दिल में एज अ मदर एक इत्मीनान होना चाहिए, बड़े जो आपसे हों उनको जी जी करते जाएँ, उनकी बात पर हाँ में हाँ मिलाते जाएँ और अपने लिए और अपने बच्चे के लिए वो करें जो आपको सही लगे, और जब आपको लगे कि बच्चा आपका रेडी है टू बी ट्रेंड तब उसकी ट्रेनिंग शुरू करें। अच्छा, दूसरा और सबसे बड़ा काम जो आपने करना है वो ये करना है कि आपने पॉटी ट्रेनिंग को एक ओवरऑल पॉजिटिव एक्सपीरियंस लेके चलना है एवरी स्टेप ऑफ द वे, स्टार्टिंग फ्रॉम इन्वॉल्विंग योर चाइल्ड इन बाइंग द पॉट। अगर आप बच्चों को साथ लेके जा सकें तो बहुत अच्छी बात है, उनको साथ ले जाके उनका पॉट खरीदें। बहुत लोग तो टॉयलेट सीट पे डायरेक्ट ट्रेनिंग शुरू करते हैं, लेकिन अगर आप ट्रेनिंग सीट खरीद रहे हैं तो बच्चे को उस प्रोसेस में इन्वॉल्व करें, उससे सेलेक्ट करवाएं कि उसने किस तरह की ट्रेनिंग सीट खरीदनी है। जब हम अपने बच्चों को ऐसे छोटे छोटे मोमेंट्स में इन्वॉल्व करते हैं तो एक तो वो आपके साथ कनेक्शन बिल्ड करते हैं, तो वो दैट इज़ अ पॉजिटिव एक्सपीरियंस फॉर देम। सेकेंडली उनको इस बात का एहसास होता है कि उनकी बात की इंपॉर्टेंस है, उनकी ओपिनियन की, उनकी पसंद नापसंद आपको अजीज़ है। नंबर थ्री,
बच्चे इस काम के लिए एक्साइटेड हो जाते हैं, बजाय इसके कि वो फेयरफुल या उनके अंदर झिझक या नेगेटिव फीलिंग्स हो अटैच टू बॉडी ट्रेनिंग, उनके अंदर डे वन से पॉजिटिव फीलिंग्स अटैच हो जाती हैं टू बॉडी ट्रेनिंग एंड दे एक्चुअली स्टार्ट गेटिंग एक्साइटेड एंड पम्प्ड अप फॉर द एक्सपीरियंस। चलिए जी, बच्चे की पसंद का पॉइंट कह रहा आ गया। अगली चीज़ जो मैं रेकमेंड करूँगी कि आप ना करें वो ये कि आप बच्चे को आउट ऑफ नोवेयर अगले दिन सुबह उठे और बच्चे की ट्रेनिंग शुरू कर दी। मेरे ख्याल में आपको थोड़ा सा टाइम देना चाहिए बच्चे को, हफ्ता देना चाहिए बच्चे को टू गेट फेमिलियराइज्ड विद द पॉट विद द सीट, ये क्या होता है, उस पर उसको बिठाएं ऐसे ही रैंडमली बेशक डाइपर के साथ, थोड़ा सा उसको फेमिलियराइज करें। एक जो अननोन चीज़ का खौफ होता है उससे थोड़ा सा बच्चा निकलता है, वो फेमिलियराइज हो जाता है उस सीट के साथ। और इसके साथ साथ थोड़ी सी वियर्ड सी एडवाइस है, शायद बहुत लोगों को पसंद ना आए, लेकिन वही वाली बात, अगर आपके पहले पहले बच्चे हैं और खासतौर पर अगर माई ट्रेनिंग करी हूँ और बेटियाँ हैं, तो अपने आप को अच्छे तरीके से ऑब्वियसली कवर्ड करके, बेटियाँ या बेटे जो भी हों अच्छे तरीके से कवर करके एक दो दफ़ा बच्चे के सामने बाथरूम जाएँ, लाइक उसको पता चले कि क्या हो रहा है, यू नो द इंटायर प्रोसेस ऑफ गोइंग टू द लू। उसके अलावा उससे बात करें कि अब हम डायपर्स नहीं पहना करेंगे, अब हम पॉट में किया करेंगे, इस तरह से उसके माइंड को प्रिपेयर करें कि हम क्या करने की कोशिश करें, बजाय इसके कि आप राइट अवे लाइक एक दिन उठे और आपने पॉट घर आ गया और आपने अगले दिन पॉटी ट्रेनिंग शुरू कर दी। आई थिंक अगर आप बच्चों को थोड़ा सा मेंटली प्रिपेयर कर दो, उनसे बात करते रहो, तो वो ज़्यादा रेडी हो जाते हैं इस काम के लिए कि अच्छा अब हम ये काम करने लगे हैं। सो उनको सरप्राइज ना करें विद द पॉटी ट्रेनिंग प्रोसेस आउट ऑफ नोवेयर। आई थिंक इट्स इंपॉर्टेंट कि उनको थोड़ा सा प्रिपेयर करें फॉर द प्रोसेस। चलें जी, हफ्ता हो गया आपके घर पॉट आए हुए, आपने बच्चे को फेमिलियराइज कर दिया सीट के साथ, द आइडिया ऑफ पॉटी ट्रेनिंग उसके साथ। अब आपने सोच लिया कि कल से मैंने इसी पॉटी ट्रेनिंग शुरू कर देनी है। सो इस कल में आपने क्या क्या गलतियाँ नहीं करनी, मैं आपको चंद डोंट्स इकट्ठे बताने लगी हूँ। अब सबसे पहली बात तो ये कि आपने बच्चे को बार बार बाथरूम नहीं लेके जाना। पहली दफ़ा जब तक आपको नज़र नहीं आ जाता कि बच्चे ने टॉयलेट यूज़ किया है या बच्चे को लाइक अपने आप को रिलीज़ किया है इन द सीट, तब तक आपको शायद जल्दी जल्दी लेके जाना हो, क्योंकि आपको एक दफ़ा तो एटलीस्ट देखना है कि बच्चे ने कुछ किया या नहीं किया। सो पहली दफ़ा जब तक वो नहीं चला जाता, आपको शायद थोड़ा जल्दी जल्दी हर 15-20 मिनट के बाद लेके जाना हो, लेकिन एक दफ़ा बच्चा फारिग हो गया है बाथरूम से, इसके बाद आपने उसको हर आधे घंटे बाद, हर एक घंटे बाद नहीं लेके जाना। आपने उसको 1.5 घंटे, 1.75 घंटे, 2 घंटे के बाद, आई थिंक 1.5 घंटा इज़ द राइट टाइम, 1.5 घंटे के बाद आपने बच्चे को बाथरूम लेके जाना है। क्यों? क्योंकि अगर आप बच्चे को बार बार बाथरूम लेके जाएंगे तो वो उसका ब्लैडर नहीं भरेगा इतनी देर में, और वो उसको सेंसेशन नहीं आनी शुरू होगी कि मुझे जाना है और फिर मैं गया हूँ और मैंने रिलीज़ कर दिया है तो अब मैं कितना अच्छा फील कर रहा हूँ, या अब मुझे वो फीलिंग नहीं आ रही है प्रेशर की। बच्चे को वो प्रेशर फील होना ज़रूरी है इन ऑर्डर फॉर हिम और हर टू गेट ट्रेंड। उसके दिमाग को, उसकी बॉडी को उस सेंसेशन से फेमिलियराइज होने दें। सो आपने पूरी कोशिश करनी है कि बच्चे का ब्लैडर भरा हुआ हो जब आप उसको बाथरूम लेके जाएं। सो हर आधे घंटे बाद, 15 मिनट बाद, 20 मिनट बाद इज नॉट द राइट अप्रोच। टेक हिम और हर टू द लू एवरी आर एंड हाफ, आई वुड से आर एंड हाफ इज अ गुड टाइम। 1.5 घंटे बाद उसको बार बार बाथरूम लेके जाएं, हर 15-20 मिनट के बाद नहीं लेके जाएं। एक काम जो आपने नहीं करना वो ये कि आपने पुल अप डाइपर्स में बच्चे की ट्रेनिंग करने की कोशिश नहीं करी। मैंने बड़ा स्मार्ट एक्ट करने की कोशिश की कि मेरे घर में तो कोई एक्सीडेंट नहीं होगा, कोई कारपेट और कोई वो सोफा गंदा नहीं होगा, क्योंकि मैंने तो बच्चे को पहनाए हुए होंगे पुल अप डाइपर्स। मैं नीचे करूँगी, उसको बिठाऊँगी, उसको कराऊँगी, फिर डाइपर ऊपर कर दूँगी। सो मैं बड़ी खुश थी कि हमने तो फटाफट ट्रेनिंग कर लेनी है और एक भी एक्सीडेंट के बगैर ट्रेनिंग कर लेनी है। माय फ्रेंड्स, लेट मी टेल यू, एक्सीडेंट्स आर इम्पॉर्टेंट, एक्सीडेंट बहुत इम्पॉर्टेंट है। आपने पुल अप डाइपर्स नहीं यूज़ करने, एक्सीडेंट्स होंगे, अपने आप को दिमागी तौर पर इस बात के लिए तैयार रखें एक्सीडेंट्स होंगे। और जब एक्सीडेंट होंगे और बच्चे के ऊपर, बच्चा गीला होगा, बच्चा ये फील करेगा कि ये यकी है, ये स्टिंकी है, ये गंदी फीलिंग है, तब बच्चा ट्रेन होगा। अगर बच्चा डाइपर में है, चाहे पुल अप डाइपर में है, और वो कभी गलती से कर देता है, लाइक अपने 1.5 घंटे के टाइम स्पेन के अंदर अंदर उसने पानी लेट से ज़्यादा पिया हुआ है और वो उस वक्त बैठे बैठे कुछ कर देता है, तो वो ड्राई है, उसको कोई फीलिंग ही नहीं है कि उसने कुछ कर दिया है। जब तक बच्चा ये अपने आप को गंदा फील नहीं करेगा, अपने एक्सपीरियंस से वो नहीं लर्न करेगा कि मुझे जाने की ज़रूरत थी या मुझे बताने की ज़रूरत थी। सो एक्सीडेंट्स माय फ्रेंड्स आर वेरी इंपॉर्टेंट एक्चुअली। सो कुछ दिन मैंने ये कोशिश की कि मैं उसको पैंट्स के साथ ट्राई करती रही, लेकिन हर कुछ अरसे के बाद दिन में 1-2 दफ़ा एटलीस्ट ज़रूर ऐसा होता था कि वो डाइपर के अंदर कर देती थी, विच वॉज गेटिंग मी फ्रस्ट्रेटेड कि यार ये मैंने 3 साल की करके इसको ट्रेनिंग शुरू की है, तो इसलिए शुरू की है कि ये जल्दी ट्रेन हो जाए, तो ये क्यों नहीं ट्रेन हो रही। सो देन आई वॉज लाइक कि नहीं, शी नीड्स टू फील द पी, शी नीड्स टू फील द डिस्कस्ट, और जब वो फील करेगी कि कुछ गंदा हुआ है तो वो ज़्यादा आराम से ट्रेन हो जाएगी। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आपने ये चलाकी करने की कोशिश नहीं करनी, डोंट यूज़ डाइपर्स। अच्छा, तीसरी गलती जो आपने नहीं करनी बच्चे को ट्रेन करते हुए,
वो आपने ये नहीं करना कि आपने बच्चे के हाथ में स्क्रीन या मोबाइल दे दिया कि वो वैसे तो टॉयलेट सीट पे बैठ नहीं रहा, क्योंकि टॉडलर्स होते हैं उनको बिठा के रखना बहुत चैलेंजिंग काम होता है. आप उसको बिठा के रखने के लिए अमूमन स्क्रीन पकड़ा देते हैं. एक आध दफ़ा ये गलती मैंने भी की, लेकिन फिर मैंने बड़ा जल्दी ये रियलाइज़ कर लिया कि ये ठीक अप्रोच नहीं है. अव्वल तो ये कि खाम खा का स्क्रीन टाइम है, उसके बाद फिर बच्चा फ़ौरन तो छोड़ता नहीं स्क्रीन, तो वो एक खाम खा की मुसीबत वैसे ही बंदा अपने सर ले लेता है. दूसरा ये कि जैसे बच्चे का ध्यान स्क्रीन में है या किसी एक्टिविटी में है, तो उसका ध्यान उस बॉडीली सेंसेशन पे नहीं है दैट विल मेक हिम और हर पी और पू. वो फिजिकल सेंसेशन नहीं फील कर रहा जब वो स्क्रीन देख रहा है. हिज माइंड इज़ लाइक ऑल फोकस्ड ऑन द स्क्रीन. सो उसको वो फिजिकल सेंसेशन फील करनी ज़रूरी है. और उसके अलावा एक और डोंट ये है कि आपको बच्चे को बहुत देर टॉयलेट पे बिठाने की ज़रूरत है ही नहीं. लाइक 10 10 15 15 मिनट के लिए आपको बच्चे को बिठाने की ज़रूरत नहीं है. इसलिए क्योंकि जिस वक्त बच्चे को नीड होगी ना बाथरूम जाने की, उस वक्त वो बैठते साथ जो उसने करना है वो कर लेगा. उसको ज़रूरत नहीं है 10 मिनट बिठा के रखने की. दैट्स नॉट नॉट हाउ इट वर्क्स. सो हम एक्सीडेंट्स की बात कर ही रहे हैं, तो जैसे मैंने कहा एक्सीडेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं. जब एक्सीडेंट हो जाता है कोई, तो आपके चेहरे पे, आपकी आवाज़ में, आपके लहजे में डिस्गस्ट, गुस्सा, डिसअपॉइंटमेंट, फ्रस्ट्रेशन नहीं आनी चाहिए. बच्चे को ये नेगेटिव एनर्जीज नहीं मिलनी चाहिए आपसे. आप ज़रूर ये रीइंफोर्स कर सकते हैं कि कितना गंदा हो गया था ना, कितना स्टिंकी हो गया था, इस तरह करके ज़रूर कर सकते हैं. लेकिन बच्चे को शर्मिंदा करके आप अपना मकसद अचीव नहीं कर सकते. सो आपने किसी भी किस्म की नेगेटिव एनर्जी को बच्चे को महसूस नहीं होने देना. कभी आप वैसे अपने किसी वजह से उकताए हुए होते हैं, तो एक नई मुसीबत जब बढ़ जाती है कि बच्चा कहीं पे खड़े खड़े कुछ कर देता है, तो वो आपका फ्रस्ट्रेटेड फील करना 100% नेचुरल है. आई नो दैट. लेकिन बच्चे तक आपने वो फ्रस्ट्रेशन कन्वे नहीं करनी. जब आपने सफाई करनी है उसकी, या ज़मीन की, या सोफ़े की, या बेड की, जिस भी जगह को उसने गंदा कर दिया है, तो आपने जो है वो आराम से सफाई करनी है. इट्स ओके, कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम बता देना. बच्चे से आपने बहुत प्यार से बात करनी है. जैसे मैंने पहले कहा कि आप रीइंफोर्स ज़रूर कर सकते हैं कि ओ याकी कितना गंदा है, क्योंकि हम चाहते हैं कि बच्चा फील करे कि याकी है, लेकिन हम उसे शर्मिंदा नहीं करना चाहते. हम उसको नेगेटिवली अफेक्ट नहीं करना चाहते इस चीज़ से. हम उसको एज अ फेलियर नहीं फील कराना चाहते. हम उससे डिसअपॉइंटेड है हम ये फील नहीं कराना चाहते. हम सिर्फ उस चाहते हैं कि वो नेचुरली ये फील करे कि ये गंदी चीज़ है. दैट्स दी ओनली थिंग वी वॉन्ट. सो आपने बिल्कुल येल नहीं करना. आपके चेहरे पे कोई गंदे वो तासुरात, गुस्से वाले, फ्रस्ट्रेटेड, ये एक्सप्रेशंस नहीं आने चाहिए. बच्चे बड़े स्मार्ट होते हैं, बच्चे आपके चेहरे को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ लेते हैं. सो ट्राई योर बेस्ट कि जब बच्चे से एक्सीडेंट हो गया है, तो स्टे एक्सट्रीमली काम, स्टे पॉजिटिव, बच्चे से प्यार से बात करें, उसको उस प्रोसेस में, सफाई के प्रोसेस में इंगेज करें, लेकिन उसके साथ बिल्कुल भी गुस्सा ना करें. अच्छा, अब आ जाते हैं कुछ डूज की तरफ, कुछ काम जो आपको करने चाहिए. खास तौर पे जब बच्चा नया नया ये सब कुछ सीख रहा होता है, तो इट्स इम्पॉर्टेंट कि आप एक्साइटमेंट का इजहार करें. जब जब वो सक्सेसफुल हुआ है, जब जब उसने कर लिया है टॉयलेट के अंदर, सीट के अंदर कुछ, तब तब उसको अप्रिशिएट करें, उसकी तारीफ़ करें, एक्साइटमेंट का इजहार करें. मुझे हंसी आ रही थी और मैं ये इंस्टाग्राम पे भी बात करी थी कि मैंने कभी ज़िंदगी में इमेजिन नहीं किया था कि किसी शख्स के पू या पी करने पे मैं तालियां बजा रही होंगी, जंप कर रही होंगी ऊपर नीचे. लेकिन आई हैड टू डू इट पहले 7 8 दिन, और अभी भी जब वो सक्सेसफुली मुझे बता के जाती है, तो एवरी टाइम आई टेल हर आई एम सो प्राउड ऑफ यू, यू डिड इट. मतलब मैं उसके लिए तालियां बजाती हूँ, उसकी तारीफ करती हूँ. तो बच्चों को इनकरेज करें, हाइप अप करें कि उन्होंने कितना अच्छा काम किया है. एवरी टाइम दे सक्सेसफुली गो टू द बाथरूम, उनको अप्रिशिएट करें. दूसरा ये कि जब वो पहली दफ़ा खास तौर पे कर लेते हैं, टॉयलेट को यूज़ कर लेते हैं, उसके बाद उनको रिवॉर्ड करें. छोटी सी चॉकलेट, छोटा सा कोई स्नैक, उनकी पसंद की कोई चीज़, उनको थोड़ा सा रिवॉर्ड करें. एक तो रिवॉर्ड बहुत बड़ा आपका पॉजिटिव एटीट्यूड है, इनकरेजमेंट है, अप्रिसिएशन है, ये भी उनके लिए बहुत बड़ा रिवॉर्ड है. लेकिन उसके अलावा अगर आप फिजिकल टैंजिबल उनको कोई छोटा सा रिवॉर्ड दे सकते हैं, अ लिटल लाइक टॉफी और समथिंग लाइक दैट, पहली एक दो दफ़ा, तो वो करें. बच्चे बड़ी जल्दी पॉजिटिव कनेक्शन बिल्ड करते हैं, एंड वो ज़्यादा मोटिवेटेड फील करते हैं टू रिपीट द बिहेवियर नेक्स्ट टाइम. सो या एक उनको रिवॉर्ड ज़रूर करें. सो पॉटी ट्रेनिंग के एक्सपीरियंस को पॉजिटिव बनाने के लिए मेरी अगली एडवाइस बहुत सिली है, लेकिन बच्चों के साथ हमें कभी कभी सिली होना पड़ता है. एंड आई एम श्योर कि बहुत सारी माएँ मेरी इस एडवाइस को उस पर कान भी नहीं धरेंगी, बिकॉज इतना टाइम ऑनेस्टली मेरे पास है. मैं मानती हूँ कि मैं बहुत वेली हूँ, तो इतना टाइम मेरे पास है, लेकिन इतना टाइम बहुत सारी माओं के पास नहीं होता कि वो इस तरह के सिली काम करती रहें. लेकिन इफ़ यू कैन मेक अ सॉन्ग अबाउट इट, इफ़ यू कैन मेक अ सॉन्ग अबाउट इट, योर चाइल्ड इज़ गोइंग टू लव इट. सो ईशाल बहुत छोटी थी, जब से जब वो बच्चों का ऊपर एक फेज़ आता है कि वो पैम्पर नहीं चेंज करवा रहे होते हैं, उनको बस टांगे मारनी होती है, पैम्पर नहीं चेंज करवाना होता,
उस फेज में मैंने उसके लिए गाना बनाया था पैम्पर चेंज करने के लिए। सो अब जब उसने बाथरूम, मैंने उसकी पॉटी ट्रेनिंग शुरू की, तो मैंने उसी ट्यून पे पॉटी ट्रेनिंग से रिलेटेड गाना बना दिया एंड शी लव्स इट। एवरी टाइम हम बाथरूम जाते थे तो मैं वो गाना रिपीट करती थी, अब वो मेरे साथ साथ वो गाना गाती है। सो अगेन इट्स अ पॉजिटिव लाइक वाइब आती है ना एक एक्सपीरियंस से, और बच्चों के लिए वो काम करना आसान हो जाता है जिसको हम उनके लिए पॉजिटिव कर देते हैं। सो आप चाहें तो मैं आपको गाना सुना सकती हूँ, लेकिन मेरा ख्याल है रहने देते रहने देते हैं। दूसरा, छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट्स हो सकते हैं, सिली एक्सपेरिमेंट्स। अगर आप टॉयलेट के अंदर थोड़ा सा डिश वॉशिंग लिक्विड लाइक थोड़ा सा बिल्कुल डाल दें और बच्चा उसके ऊपर पी करे, तो पानी बबल अप करेगा। जो भी उनके दरमियान एलिमेंट्स होते हैं वो आपस में रिएक्ट करते हैं और पानी बबल अप करेगा। सो बच्चों के लिए ये अम्यूजिंग हो जाएगा कि ये क्या हुआ है। इसी तरह आप हार्पिक या कोई और नीली चीज़ अगर उसके अंदर डालेंगे टॉयलेट के अंदर, तो बच्चे के पी करने के बाद पानी ग्रीन हो जाएगा। सो ये कुछ इस तरह की सीरी सीरी चीज़ें हैं जो एक्सपेरिमेंट्स एंड सॉन्ग्स जो आप बच्चों के लेवल पे जाके उनके साथ कर सकते हैं, तो उनके लिए ओवरऑल पॉटी ट्रेनिंग का एक्सपीरियंस बहुत पॉजिटिव एक्सपीरियंस बन जाएगा। अच्छा, अब एक और काम जो आपको करना चाहिए, दैट इज़ टू एक्सपेक्ट रिग्रेशन। यानी कि पॉटी ट्रेनिंग का रास्ता सिर्फ सीधा नहीं जाता, आगे की तरफ नहीं जाता। समटाइम्स इट्स अ वन स्टेप फॉरवर्ड एंड टू स्टेप्स बैकवर्ड काइंड ऑफ जर्नी। और अगर आप रिग्रेशन एक्सपेक्ट नहीं करें, आपका ये ख्याल है कि बच्चे में कॉन्स्टेंटली अपनी एबिलिटी मतलब इम्प्रूवमेंट आएगी और बच्चा पीछे नहीं आ सकता उससे, एक चीज़ उसने सीख लिया तो अब ऐसे के अनलर्न कैसे कर सकता है वो। सो आप ये एक्सपेक्ट कर रहे होंगे तो आप बहुत कन्फ्यूज हो जाएंगे रिग्रेशन से। मेरे साथ ऐसा हुआ था, क्योंकि पहले दिन मैंने उस इशार को ट्रेन करना शुरू किया, उसमें मैंने कुछ गलतियाँ भी की, पुल अप डाइपर्स पहनाए हुए थे उसको, उसके अलावा मैं टैबलेट भी दी एक दफ़ा उसको। अच्छा, लेकिन उसके बावजूद अगले दिन सुबह मुझे उसने उठाया ही ये कह के कि मिमी आई नीड टू गो टू द लू, आई नीड टू पी। और मेरी तो एक्साइटमेंट जो है वो आसमान पे, मैं मुझे तो यकीन ना आए मैं कहूँ आई एम द लाइक सुपर मॉम, मैंने एक दिन में बच्चा ट्रेन कर लिया है, बल्कि आधे दिन में ये कैसे मैंने कर लिया। सो मैं तो बहुत खुश थी, हवाओं में उड़ रही थी। साथ ही मेरी नज़र लग गई बच्ची को, उस दिन उसने कोई 3 दफ़ा अपना डायपर गंदा किया, विच मेड मी वेरी लेफ्ट मी वेरी फ्रस्ट्रेटेड एंड वेरी कन्फ्यूज कि ये क्या हो रहा है भाई। सो रिग्रेशन इज़ वेरी मच पॉसिबल, कीप एन ओपन माइंड, अपने आप को इस चीज़ के लिए प्रिपेयर्ड रखें कि रिग्रेशन हो सकता है, एक चीज़ एक दफ़ा सीखी हुई चीज़ बच्चा अनलर्न कर सकता है, स्पेशली शुरू शुरू के टाइम में। अच्छा, अब एक आखिरी चीज़ जो मैं आपको कहूँगी कि ना करें, वो ये कि आप अपने बच्चे को फोर्स ना करें या कन्विंस ना करें टू पू इन द पॉट। क्योंकि पिशी बच्चे बहुत आराम से सीख लेते हैं, लेकिन पू करने के लिए उनको वो थोड़ा सा एक स्केरी होता है उनके लिए टू पू इन अ पॉट या इन अ टॉयलेट सीट। सो उसके लिए उन्हें टाइम दें, टेक इट ईजी। क्योंकि जिस समय पहले भी कही थी कि बच्चों को बहुत बहुत देर के लिए टॉयलेट पे मत बिठा के रखें। बहुत देर के लिए हम तभी उन्हें बिठा के रखते हैं जब एज मदर्स हमें पता होता है कि अब इसका टाइम भी है, इस वक्त इसने जाना है, इसने करना है। लेकिन तो हम उन्हें बिठा लेते हैं कि अब करो लेकिन वो मत करें, डोंट डू दैट। बच्चे आहिस्ता आहिस्ता वो सीख लेंगे, लेकिन अमूमन बच्चे थोड़ी सी देर बाद उसके लिए उनके अंदर हिम्मत आती है, पीछे करना वो आराम से सीख लेते हैं पॉट के अंदर। सो गिव देम टाइम, उनको अलाउ करें थोड़ा टाइम इस चीज़ के लिए। लास्ट थिंग दैट आई वुड से यू डू इज़ रियलाइज एंड एक्सेप्ट कि हर बच्चा डिफरेंट होता है। जैसे मैं अभी कही थी कि बच्चों को पू के लिए फोर्स ना करें, ये मेरी रिसर्च थी कि बच्चे पू करने में टाइम ज़्यादा लेते हैं। मेरी बच्ची ने पहले मुझे पू का बताना शुरू किया, उसने मतलब जैसे मैंने आपको कहा पहले दिन तो उसने बताया, उसके बाद रिग्रेशन हो गया, उसके बाद तो बहुत सारा दिन बीच में से ऐसे गुजरे कि एंड पे मैं फ्रस्ट्रेटेड होने लग गई कि कभी एक्सीडेंट हो जाता था और कभी वो वैसे कर देती थी, तो मुझे समझ नहीं आती थी कि मैं व्हाट एम आई डूइंग रॉन्ग और क्या गलत हो रहा है। लेकिन फाइनली जब उसने बताना शुरू कर दिया, तो उसने मुझे पहले पू का बताना शुरू किया, और बाद में अब वो एक दो दिन हुए हैं कि अब उसको ये शी रियलाइजेस कि मेरा ब्लैडर भरा हुआ है एंड आई नीड टू गो, तो वो शोर मचाती है, मी 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 टेक मी टू द बाथरूम। सो हर बच्चा डिफरेंट होता है, कुछ बच्चे रिग्रेस करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, कुछ 3 दिन में सीख लेंगे, कुछ 10 दिन में सीखेंगे, हर बच्चा डिफरेंट होता है। और अपने बच्चों की डिफरेंसेस को एक्सेप्ट करें और लोगों के साथ कंपेरिजन्स में मत पड़ें। किसी को मदरहुड का अवार्ड नहीं मिलता देखा मैंने आज तक, मैंने तो नहीं देखा, आपने देखा हो तो बता दें। सो किसी का बच्चा एक दिन में ट्रेन हो गया था, जिस तरह मुझे लगा कि मेरी बेटी हो गई है ट्रेन, तो उसको भी बहुत मुबारक हो। और अगर आपका 10 दिन में हो रहा है तो आपको भी बहुत मुबारक हो। अल्टीमेटली इट्स अ माइलस्टोन जो आपके बच्चे ने तय कर लिया है, सो इट डजेंट मैटर कि कितनी देर में हो रहा है और ना तमगा उनको मिल रहा है ना तमगा आपको मिल रहा है। सो इन बातों पर स्ट्रेस ना करें एंड जस्ट रियलाइज कि हर बच्चा डिफरेंट है, उसकी नीड डिफरेंट है, उसकी टाइमिंग डिफरेंट है, और आपको आपके लिए आपके बच्चे रिगार्डलेस ऑफ देयर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट अजीज होने चाहिए और सबसे प्यारे होने चाहिए। सो डोंट गेट इन टू कंपेरिजन्स एंड जस्ट एक्सेप्ट ऑल द डिफरेंसेज
दैट चिल्ड्रन हैव. सो ये थी आज की वीडियो. आई होप आपको पसंद आई होगी, आपको यूजफुल लगी होगी. अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो डू नॉट फॉरगेट टू गिव दिस वीडियो अ बिग थम्स अप, शेयर विद मॉमीज अराउंड यू. या दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो. आई सी यू गाइज इन माई नेक्स्ट वन. अल्लाह हाफिज़.